Now, first thing is that NCERT books are necessary but not sufficient. ये bold bold शब्दों में लिखिए, NCERT books are necessary but not sufficient. Necessary but not sufficient. Now, second thing is they should be read by you. They should be read by you. Remember, आपने वो NCERT books पढ़नी है. किसी दूसरे की पढ़ी हुई NCERT book नहीं पढ़नी है. I have seen students see listening to YouTube videos on NCERT books. I have seen students attending NCERT classes. Now this is all absurd. Remember, this is all absurd. जो बच्चा ये काम करेगा वो अपनी अपना base ही खोखला कर रहा है, foundation ही बिल्कुल खोखली कर रहा है. आप इतना समझ लीजिए कि NCERT books आपको खुद पढ़नी है, उसके brief notes, बिल्कुल brief में notes खुद बनाने हैं. It is not that you are searching for NCERT के notes मिल जाए मुझे, NCERT के videos मिल जाए मुझे, NCERT का ये मिल जाए मुझे, कोई gist मिल जाए. No, ये मेरी bold and clear words पे लिख लीजिए. जो बच्चा who is running after these things, मतलब वो अपनी strategy को revisit करे. Because NCERT को पढ़ने का मतलब ये नहीं है simply कि that you are acquiring certain content. No, content उसमें limited ही है. जो सारी NCERT बुक्स हैं उसमें कंटेंट लिमिटेड ही है. इट्स नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट. मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस इज योर प्रोसेस ऑफ रीडिंग दैट NCERT व्हिच डेवलप्स योर इंटेलेक्चुअल कैलिबर. जो आपका माइंड डेवलप करता है किसी टॉपिक के बारे में और एक सीक्वेंस डेवलप करता है, एक प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है आपके दिमाग में. तो NCERT चाहे बेशक टाइम लग जाए लेकिन पढ़नी खुद ही है NCERT. किसी भी ट्रैप में आपने फॉल नहीं होना कि किसी वेबसाइट में अगर आप देखें कि NCERT के ये वीडियो लगा लो जी हो गई NCERT. नो, ऐसा नहीं है. किसी दूसरे की NCERT पढ़ी हुई आपने नहीं पढ़नी है, आपने खुद NCERT अपनी पढ़नी है. और कोई बड़ा टास्क नहीं है ये, राइट. एक छोटी छोटी NCERT हैं यार, हार्डली 6-7-8 घंटे लगते हैं एक NCERT को पढ़ने के लिए. हमें कोई ब्रॉडली पढ़ना है. नाउ थर्ड थिंग इज व्हाइल रीडिंग NCERT डोंट टेक हेल्प ऑफ एनी अदर सोर्स. मतलब ये काम नहीं करना आपने कि NCERT का चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का पढ़ रहे हो, इंडिया स्ट्रगल 1857 रिवोल्ट पढ़ रहे हो. अब ये नहीं है कि NCERT आप पढ़ रहे हो साथ में आपने दो एक बुक भी खोल रखी है कोई, फिर एक नोट्स भी खोल रखे हैं. नो, NCERT को अपने आप में पढ़ना है आपने, अपने आप में जितना इसमें लिखा है वही पढ़ना है बस. बाकी तो और चीजें पढ़ेंगे हम, वी विल स्टडी दैट, बट यू हैव टू रीड NCERT स्पेसिफिकली. ये नहीं है कि NCERT पढ़ते हुए आप डिफरेंट सोर्सेज को रेफर करोगे. यू गॉट द पॉइंट? इट शुड बी वेरी क्लियर इन योर हेड, राइट. नाउ सब कहते हैं आपको कि NCERT पढ़ो, NCERT पढ़ो, तो आई विल जस्ट नरेट 3-4 बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग NCERT. कि NCERT पढ़ने के 3-4 बेनिफिट क्या हैं, ठीक है जी. नंबर वन, देखो NCERT बुक इज बेसिकली अ प्रिपरेशन ऑफ योर सिविल सर्विसेज, प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन. अगर आपने NCERT बुक्स बनी हुई है, यू हैव अ साउंड बेस, आपका एक साउंड बेस बन जाता है विच इंप्रूव योर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ फर्दर इंफॉर्मेशन. जो आप फर्दर इंफॉर्मेशन एक्वायर करोगे उसकी एब्सॉर्प्शन बढ़ जाती है, मतलब उसकी रिटेंशन बढ़ जाती है आपके माइंड में. इन अ वे इट इज अ फर्स्ट लेवल ऑफ डोज ऑफ इंफॉर्मेशन विच यू गेट व्हाइल यू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ फॉर सिविल सर्विसेज. नाउ दिस प्रोसेस इटसेल्फ इंक्रीजेस योर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी, कि आपकी समझने की, आपकी पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है. तो दैट कैपेसिटी यू हैव टू बिल्ड. देखो एक बच्चा है, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि एक बच्चे ने पहले पॉलिटी की NCERT पढ़ी, कॉन्स्टिट्यूशन वाली, ओके, आराम से पढ़ी उसने, 2 दिन लगाए अपनी NCERT आराम से पढ़ी, फंडामेंटल राइट्स ये, राइट. उसके बाद वो मे बी लक्ष्मीकांत पे आता है या डीडी बासु पे आता है. अब इस बच्चे की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी मच बेटर होगी. अब एक बच्चा कहता है अरे यार आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मेरे को क्या है, छोड़ो NCERT को तो बेकार है, मैं सीधा लक्ष्मीकांत पढ़ता हूँ. वेरी कॉमन मिस्टेक डन बाय स्टूडेंट्स, वेरी कॉमन मिस्टेक, हम रोज देखते हैं.
भाई दो दिन के लिए आपने अपनी सारी तैयारी को बर्बाद कर लिया। अगर आप ये दो दिन एनसीईआरटी पे लगा लेते अच्छे से, तीन दिन लगा लेते, उसके बाद ये बुक उठाते तो बात ही गलत थी बहुत। अब इसको आप डॉक्टर की ट्रीटमेंट कह लो, आप डॉक्टर की डायग्नोसिस कह लो, ये मान लो बात बस कि ये हमें एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ये कोई किताब उठानी है, ठीक है जी। अब उसके सेम इज द केस विद लेक्चर, आप क्लास के लेक्चर में बैठे हो, उससे पहले आपने उसकी रिलेटेड एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, आप पढ़ी हुई है, उसके बाद आप क्लास लेक्चर लगा रहे हो, ठीक है। अब क्लास लेक्चर के बाद आप जाके घर में नोट्स पढ़ रहे हो, फिर बुक पढ़ रहे हो। नाउ दिस इज अ प्रोसेस व्हिच इज रिक्वायर्ड। अब एक बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं, सीधा क्लास में बैठ गया कि भैया हम तो अब क्लास लगाएंगे बस। अब उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्लास में कितनी होगी भाई? एक बच्चा एनसीईआरटी पढ़ के क्लास में बैठ रहा है और एक डर के लिए बैठ रहा है, तो डेफिनेटली जिसने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बेटर होगी। देखो एट अभिमन्यु वी गिव यू रियल पिक्चर ऑफ योर प्रिपरेशन, नॉट मेनी इंस्टीट्यूट केयर अबाउट इट। वो कहते हैं जी ठीक है जी आप आओ फीस दो इंस्टीट्यूट में बैठो, किसी को कोई सरदर्दी नहीं है कि आपको गाइडेड सेल्फ स्टडी के अंदर पहले बताए कि एनसीईआरटी पढ़ बैठ के फिर तेरे को एडमिशन देंगे फलाना दिमाग का। बट दिस इज अवर एथिक्स एंड अवर रूल एट अभिमन्यु, दैट इज वाई वी आर प्रोड्यूसिंग रिजल्ट, बिकॉज किसी भी काम को ठीक प्रोसेस करने से रिजल्ट आता है। ये नहीं है कि हमारे आप क्लास में 10 महीने बैठ जाओगे उससे कोई रिजल्ट आ जाएगा, नो इट इज नॉट अ गारंटी। पेपर में आएगा जो हम पढ़ाएंगे, लेकिन आप नहीं कर पाओगे बिकॉज आपके दिमाग की कैपेसिटी नहीं है, वो कैपेसिटी बिल्डअप करनी पड़ती है। तो कोचिंग इज नॉट सिंपली अबाउट गिविंग अ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, कोचिंग इज ऑल्सो अबाउट गाइडिंग यू हाउ टू डेवलप कैपेसिटी। यूपीएससी में यही डिफरेंट है कि हमें और आसान है पेपर, मुश्किल नहीं है, it's not a difficult, it's the way is understanding the way of preparation is difficult. hame ye mushkil lagta hai because hum pehle aise study nahi kar rahe hain, during graduation, during school hum ratta maar rahe hain, hum paper mein likha rahe hain, 90% number aa rahe hain, capacity hai nahi hai, right? to ncert pehle padhni hai fir aage cheez karni hai, that is the first important benefit of reading ncert. okay, second factor, second important thing is, now it give you base level information. Base level information मिल जाता है, इसको level one information कहते हैं। Level one information लेने के benefit ये है कि आपका आप समझ लीजिए 10-15% paper इसमें से आ जाएगा, 10-15% paper इसमें से आ जाएगा जितना information इसके अंदर है। But at the same time this base level information is very important from state civil services point of view. आपने अगर NCERTs से 10-15 NCERTs पढ़ी हुई हैं, तो आपका जो state level की preparation है, चाहे वो HAS है, चाहे वो HCS है, चाहे वो PCS है, उसमें बहुत ही काम आती है ये. Because PCS HCS में इस NCERTs से बहुत कुछ आता है. तो इसको पढ़ लेना वैसे ही बैठ रहता, आपका baseline information clear हो जाती है, आपको पता लग जाता है कि यार ये तो मुझे आना ही चाहिए, baseline है मेरी ये. यूपीएससी में देखो यार किसी भी एग्जाम में रेफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपका ये रेफरेंस पॉइंट बन जाता है कि इतना मैंने पढ़ लिया, ये मेरी बेसलाइन इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर मैंने बिल्डअप करना है, टक टक, इससे माइंड में क्लैरिटी आती है कि मैंने आगे 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 क्या करना है। एनसीईआरटी आपका एक एडिफिस सा बना देती है, कंकाल सा बना देती है, स्केलेटन बना देती है, उसके अंदर फिर चीजें भरते जाओ आगे, लेटर ऑन आप जैसे तैयारी करते जाओगे अपने आप भरती जाएंगी। दैट इज द सेकंड बेनिफिट ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी, right? Now third benefit of reading NCERT is it increases your sitting capacity. जैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू में आपने NCERT पढ़ी, तो ये आपकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाने में हेल्प करती है, बिकॉज दीज आर इजी, और आप घर में बैठ कर जब खुद पढ़ सकते हो इसको अगर चाहो तो, थोड़ी सी मेहनत करो तो यू कैन स्टडी ऑन योर ओन। अब आप कहो कि लक्ष्मीकांत में घर में अपने आप पढ़ने बैठ जाऊं, यू विल फेस डिफिकल्टी, आप अपने आप को बेवकूफ सुनाते रहोगे कि हाँ मेरे को समझ आ रहा है, पर ले कुछ नहीं पढ़ रहा कि पूरा पेज पढ़ लिया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मुझे कितना इसमें रिटेन करना है, कितना नहीं करना, आपको नहीं पता लगता। एनसीईआरटीज आर नॉट वेरी हैवी बुक्स, दे आर लाइट एंड इजिली अंडरस्टैंडेबल, इससे क्या है कि आप अपने आप उसको आसानी से पढ़ सकते हो। दिस हेल्प्स इन डेवलपिंग योर सिटिंग कैपेसिटी, कि ठीक है घर में पढ़ रहे हो, अभी आप 2 घंटे शुरू में पढ़ते हो, फिर आप 4 घंटे पहुंच गए, फिर 6 पे पहुंच गए, फिर 8 पे पहुंच गए, अदरवाइज आप
बिगनिंग करो प्रिपरेशन घर में एंड लक्ष्मीकांत उठा लो, आप सिटिंग कैपेसिटी बनी नहीं सकती आपकी, आप इतने बोर हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एक महीने में। हो सकता है कुछ लोगों ने ऐसा किया हो कि भी सीधा उठाया, किसी ने वेबसाइट में देखा लक्ष्मीकांत पढ़नी है, पॉलिटी के लिए डी डी बासु पढ़नी है, पढ़ने बैठ गए। अब आप ये बुक्स हैं फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत है, डी डी बासु है, इसको आप क्लास लेक्चर के बाद पढ़ रहे हो, देखो क्या मजा आता है, इतनी फास्ट पढ़ जाएगी बुक आपकी। वैसे आप दो महीने में पढ़ रहे हो, आप लक्ष्मीकांत पूरी 15-20 दिन में खत्म कर दोगे क्लास लेक्चर के बाद। वाई? बिकॉज आपको पता लग जाएगा यार इसमें ये तो बकवास लिखी हुई है, ये बेकार लिखा हुआ है, ये एक्सेसिव डिटेल है, मुझे नहीं करनी, मुझे इतना इतना करना बस। अगर डायरेक्टली लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो यू आर एंड और एनी अदर बुक पढ़ रहे हो, मेबी एनी अदर बुक पढ़ रहे हो, उस पर फोकस नहीं आता। सो ये तीन मेजर बेनिफिट आप लगा के चलिए कि एनसीईआरटी के हैं, एंड दीज थ्री बेनिफिट यू हैव टू टेक। गवर्नमेंट अब बेसिकली ये तीन फैक्टर्स आपको दिमाग में रखने हैं। अब लेकिन एक्सेसिव रिलायंस ऑन एनसीईआरटी शुड नॉट बी देयर। ये नहीं 24 घंटे एनसीईआरटी पढ़ जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हो एनसीईआरटी में 24 घंटे? इट इज ऑल स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट इन योर नॉलेज बेस। एनसीईआरटी का बेस क्लियर कर लिया, ठीक है अगला चलो, अगला चलो, अगला चलो। ये नहीं है कोई एनसीईआरटी से पेपर आ जाता है, यूपीएससी इज नॉट दैट एग्जाम। तो प्लीज बी प्रोटेक्टेड बाय वेरियस वेबसाइट्स और सजेशंस गिवन बाय पीपल कि तुम ऐसे करो तुम वैसे। सो देयर आर थ्री बेसिक इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी व्हिच यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोसेस। देखो आपको एनसीईआरटी थ्रू आउट योर प्रिपरेशन हाउ यू हैव टू स्टडी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो इन अभिमन्यु मॉडल सिस्टम हम क्या करते हैं कि आपको वी एडवाइज कि यू विल रीड एनसीईआरटी 4 times ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, 4 times ड्यूरिंग योर प्रेप। कब? फर्स्ट इज बिफोर स्टार्टिंग कोचिंग, दो पढ़ो चाहे चार पढ़ो पांच पढ़ो, अगर पढ़ने लग जाओ एनसीईआरटी बिफोर स्टार्टिंग कोचिंग, जिसको हम अब मेन्यू में कहते हैं जीएसएस प्रोग्राम, गाइडेड सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, जो आप लोग कर रहे हो मेरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? ठीक है, 2 NCERTs पढ़ी हैं आपने, 3 NCERTs पढ़ी हैं, या आपकी ग्रेजुएशन में बेस है कोई कि आपने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कुछ आपने कर रखा है, प्लस वन प्लस टू में कर रखा है, कुछ मतलब आपका बेस है और एनसीईआरटी आपने बिफोर स्टार्टिंग आपने पढ़नी है, राइट? नाउ सेकंड रीडिंग हम कब करते हैं? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन, ड्यूरिंग कवरेज ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ जनरल स्टडीज। जब हम क्लास में डिफरेंट सेक्शंस कवर करेंगे, फॉर एग्जांपल वी आर कवरिंग हिस्ट्री इन द क्लास, तो आपका ड्यूरिंग हिस्ट्री एक एनसीईआरटी का टेस्ट होगा, जिससे क्या होगा जो आपने पहले एनसीईआरटी पढ़ी है फिर एक बार यहां पे रिवाइज हो जाएगी फास्टली, ठीक है? बट ड्यूरिंग एवरी सेक्शन ऑफ जनरल स्टडीज वी टेक वन टेस्ट ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। जैसे अगर 3 NCERTs हैं हिस्ट्री की, तो तीनों एनसीईआरटी का एक टेस्ट होगा एमसीक्यू बेस्ड। उससे क्या है आपकी एनसीईआरटी फिर एक बार रिवाइज हो गई। उसके अलावा 2 टेस्ट और होंगे जो आप हम आपके लेंगे अलग से, जो टीचर क्लास में करा रहा है या नोट्स के बेसिस पे या बुक्स के बेसिस पे, वो टेस्ट हम लेंगे, विल हेल्प यू टू कवर द सिलेबस, इसी बहाने धक्का मार के आप कवर कर लोगे। नाउ थर्ड रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी इज बिफोर द प्री, मतलब इसको हम बोलते हैं 1 month बिफोर प्री, आपको एक बार फिर फटाक से रीडिंग दे देनी है एनसीईआरटी। जैसे अगर प्री 2 June को, कल आपका प्री है, तो आपको मतलब लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में या फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपको 3 या 4 दिन लगा के सारी एनसीईआरटी पढ़ देनी है। आपका लेवल इतना बन चुका होगा कि 3 दिन से ज्यादा लगेंगे 15 NCERTs को पढ़ने के लिए। कोई चीज तो याद ही होंगी, वो पर एक रीडिंग ही देनी होती है बस, है ना? अब हिस्ट्री की 3 NCERTs नई वाली हैं, उनकी रीडिंग देने में कितना टाइम लगेगा? आपने अगर हिस्ट्री तैयार कर रखी है तो हार्डली इट विल टेक 4-6 hours, ठीक है ना? तो एक रीडिंग आपकी प्री से पहले आपकी एनसीईआरटी की हो जानी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज आप जलंधर में लेट आ रहे हो, आप यू विल लिसन टू ऑनलाइन लेक्चर जो छुट्टा आपका, ओके सर, यू टेक इट वेरी क्लियरली, जो पिछले हो चुका है वो आपने सुनना है बाद में,
Okay. Fourth reading of NCERT is before the mains. Before mains. इसमें relevant NCERT पढ़ोगे? Before mains only relevant NCERTs. मतलब जो mains के लिए relevant हैं, 8-10, 7-8 NCERTs, उसकी reading fast track दोगे before mains. ये होता होना चाहिए around 20 days before the mains. 20 days before the mains. हार्डली एक दिन लगेगा, डेढ़ दिन लगेगा, उसने सारी एनसीईआरटी चक फिर उड़ा दी. मतलब अगर कोई ये चार फोर स्टेप प्रोसेस फॉलो करेगा एनसीईआरटी रीडिंग का, उसको डेफिनेटली यार मेंस में 20-25-30-40 नंबर का बेनिफिट होना निश्चित है. और अगर आपने प्री में जो मैंने थर्ड स्टेप बताया बिफोर प्री, वन मंथ आपने सारी एनसीईआरटी पढ़ ली, आपको कम से कम 5-10 मार्क्स का फायदा होने होना है. क्योंकि कई ऐसी बेसिक चीजें हैं, स्मॉल फैक्ट्स हैं, कई बार हमारी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन हम मिस कर जाते हैं, लेकिन पेपर में क्वेश्चन इजी आ जाता है. ठीक है ना, वो जो एकदम फास्ट रिमाइंडिंग है ना, वो जो है वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो ये फोर स्टेप प्रोसेस आपका एनसीईआरटी का आपने फॉलो करना है. क्लियर हो गया? दैट वॉज ऑल अबाउट रीडिंग एनसीईआरटी बुक्स जो आप पढ़ रहे हो. दैट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बेसिक्स, strategic component of your preparation.